कारण 2012 में 12-13 में वो बनी थी, लेकिन अब काम भी नहीं हुआ है। इसकी ये जो पैसा सेंक्शन ऑलरेडी हुआ है, नहीं यहाँ पे काम हो रहे हैं, क्विप भी किया गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ एक नया डायलिसिस सेंटर भी इस साल अप्रूव किया है और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो बिल्कुल फंक्शनल भी होगा। जहाँ सीटी स्कैन की जो एक डिमांड रखी गई है उसको भी हम एग्जामिन करेंगे और वील बी टेकिंग इट अप विद द डायरेक्टर कि उस तरीके से, क्योंकि स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाती है, तो वो हम टेकअप करेंगे डायरेक्टर साहब से और देखा जाएगा कि सीटी स्कैन यहाँ पर कब तक मुहैया करा जाए। उसमें सलमान आने वाला है तो क्या विंटर डंपिंग की बात करें राशन की, तो किस तरह से जो है इकदाम करेंगे? राशन और एलपीजी ऑलरेडी जो स्टॉक डंपिंग है वो ऑन गोइंग है और अनदर 10 डेज में आई बिलीव ये जो स्टॉक डंपिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो उस तरीके से आई एम श्योर कि विंटर में उस राशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट अवेयरनेस है और जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होती है तो हम किसी भी जगह को स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल पिछले आपने देखा होगा एक साल में बहुत काम हुआ है, चाहे वो सोकेज पिट्स को लेकर हो, सेग्रीगेशन शेड्स को लेकर हो, और इनफैक्ट इन सभी कामों की वजह से जो कुपवाड़ा ज़िला और पूरा यूटी ODF प्लस भी हुआ है। बट लोगों का जो अभी बिहेवियर है, बिहेवियरल चेंज जिसको हम कहते हैं स्वच्छता को लेकर, उसमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूर रिक्वायरमेंट है और हम भी यहाँ पर एक कैंपेन मोड में इसमें काम करेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी हमारे रिवर्स हैं, कनाल्स हैं, या हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, इनको हम साफ रखें विद द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कुछ महीनों में कुछ टूर्नामेंट्स हुए भी हैं यहाँ पर और भी टूर्नामेंट्स होंगे, आगे चलकर भी होंगे और हम ज़रूर प्लान करेंगे यहाँ तंगधार में भी और रेस्ट ऑफ कुपवाड़ा में। वी विल हैव अ कुपवाड़ा लेवल टूर्नामेंट जिसमें वी कैन हैव हीट्स हियर एंड देन द फाइनल मैचेस ओवर देयर। तो बिल्कुल इसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है और इसमें हम बिल्कुल गौर करेंगे और आगे चलकर हम एक टूर्नामेंट करेंगे। दो ग्राउंड हैं, दोनों आर्मी के ग्राउंड हैं। एक ग्राउंड जो डूठा में बनने जा रहा था किसी वजह से रुका हुआ है, क्या उस पर जो डिपार्टमेंट जो इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं क्या उन पर प्रेशर डाल के जल्द से जल्द ये ग्राउंड तैयार नहीं किया जा सकता? बिल्कुल इसको हम एग्जामिन करेंगे जो स्पेसिफिक ग्राउंड्स के इशूज़ हैं और जैसे कि मैंने कहा कि हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट केपेक्स या यूटी केपेक्स के काम हैं तंगधार में उनको हम 100% कंप्लीट करें इस बार इस साल। 5 दिन पहले यहाँ पर एक हादसा रनुमा हुआ जिसमें 6 आदमियों की मौत हुई और जिसमें 8 जी जो ये हमने कोशिश की थी कि हम रेड क्रॉस के थ्रू इनको एक थोड़ा सा रिलीफ दें इनके फ्यूनरल के लिए। बाकी जो इनका एक्सक्रेशिया है उसकी जो प्रोसेस है वो हम इनिशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हम मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें हम देंगे एज़ पर द रूल्स एंड गाइडलाइन। मच्छल और केरन तीनों के लिए हम कुछ शेल्टर होम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो प्रोसेस ऑन गोइंग है, तो हम उनको जल्दी ही इक्विप करेंगे ताकि ये जो इंतजाम हैं ये विंटर से पहले ही हो जाए। थैंक यू।